आज मेरे पास ऑल स्टार नाम का इंसुलिन का इंजेक्शन अवेलेबल है। इस इंजेक्शन के अनुसार बाकी के इंजेक्शंस की इस प्रोसीजर भी काफी सिमिलर है। ये इंसुलिन इंजेक्शन एक पेन की तरह होता है। इसे ढक्कन होता है और ढक्कन को बंद करके रखना जरूरी होता है। जब भी आप इंसुलिन का इंजेक्शन वापस से रखना चाहते हैं तभी इस ढक्कन को अच्छी तरह से सिक्योर करें। क्लिक के आवाज के आने के बाद इंसुलिन का इंजेक्शन अच्छी तरह से ढका हुआ है ये समझा जा सकता है। खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके यहाँ पे एक आगे का ग्रीन कलर का हिस्सा है, फिर एक ट्रांसपेरेंट हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है। ये है उसका प्रेस करने का हिस्सा। इंजेक्शन को सबसे पहले आपको लोड करना होगा। ये वायल कांच का होता है और इसके अंदर इंसुलिन की दवा मेनली प्रेजेंट होती है। इस वायल को इस ट्रांसपेरेंट हिस्से में अंदर डालें, अच्छी तरह से सिक्योर करें। फिर पीछे का हिस्सा सबसे पहले ये देखें कि पीछे का हिस्सा ऐसा दिख रहा हो, फिर आगे वाले हिस्से के साथ इसे अलाइन करके ट्विस्ट करें। ट्विस्ट करने के बाद आपको लॉकिंग समझ में आ जाएगी और फिर आपको समझेगा कि इंजेक्शन सही तरीके से लोड हो चुका है। फिर होता है आगे वाला हिस्सा जो कि नीडल होती है। ये नीडल को पैकेट से डायरेक्टली प्लेस करें। नीडल ऐसे अवेलेबल होगी और इसे ये वाला हिस्सा इस हिस्से में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करें और फिर ट्विस्ट करके सिक्योर करें। फिर नीडल जगह पे सिक्योर हो जाएगी। फाइनली होते हैं ये नंबर्स। आपको दिए गए यूनिट्स के अनुसार पीछे का हिस्सा आप टर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 8 यूनिट्स लेने हैं तो फिर इस एरो तक 8 का आंकड़ा आने तक मैं पीछे का पिस्टन दबाऊंगी, ट्विस्ट करूंगी। पीछे का पिस्टन ट्विस्ट करते ही 8 के आंकड़े आने तक मैं इसे ट्विस्ट करूंगी। एक बार 8 का आंकड़ा आ जाए फिर नीडल पे से कवर को हटाएं और नीडल को एक्सपोज करें। फिर साइड पे इंजेक्शन कर दबाएं और पिस्टन को अच्छी तरह से दबाएं। इंसुलिन का इंजेक्शन हमेशा रेफ्रिजरेट करके रखना चाहिए। अगर आपको बाकी इंजेक्शंस के पैकेट मिले हुए हैं उन्हें भी रेफ्रिजरेट करके रखें। इंसुलिन के इंजेक्शन को चिलर में या डीप फ्रीजर में ना रखें। इसे रेगुलर रेफ्रिजरेटर में नीचे के हिस्से में रखें। इंसुलिन के इंजेक्शन की साइट अपने डॉक्टर को पूछ के आप कंफर्म कर सकते हैं। यूजुअली इंसुलिन का इंजेक्शन पर क्यूटेनियस यानी कि स्किन के अंदर ही देना होता है। इंसुलिन का इंजेक्शन स्किन के अंदर देने की एक टेक्निक होती है। एल्बो के पीछे के हिस्से पे पिंच करें और स्किन को पिंच करके रखें। फिर धीरे धीरे करके पिंच ऊपर तक लेके जाएं। सिर्फ स्किन को पिंच करके पिंच किए हुए स्किन में इंजेक्ट करें। हाथ में इंजेक्ट करते समय आपको किसी और की सहायता लग सकती है। इंसुलिन का इंजेक्शन आप शरीर में कहीं पे भी ले सकते हैं। इसे दूसरी कॉमन साइट होती है थाइस और पेट। अगर आप पेट पे लेना चाहते हैं तो अम्बिलिकस से 3 उंगलियों के डिस्टेंस पे आप कहीं पे भी इंसुलिन का इंजेक्शन ले सकते हैं। हाथ की तरह ही स्किन पेट की स्किन को पिंच करके फिर इंजेक्ट करें। इंजेक्ट करते समय ध्यान रखें कि आंकड़ा पिस्टन एंड तक दबाए रखें और आंकड़ा 0 तक आके रुक जाए। वैसे ही अगर आपको थाइस पे लेना हो तो आप थाइस पे भी अपने आप से इंसुलिन का इंजेक्शन ले सकते हैं। इंजेक्शन लगवाने से पहले उस हिस्से को स्टेरिलाइज करना बहुत जरूरी होता है। आप स्किन को स्टेरिलाइज करने के लिए ऐसे मार्केट में रेडिली अवेलेबल अल्कोहल पैड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉटन पे हल्का सा स्पिरिट लगा के आपकी स्किन को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। डिसइंफेक्ट करने के बाद ही इंसुलिन का इंजेक्शन उस जगह पे लगवाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंसुलिन का इंजेक्शन अपने डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार ही इस्तेमाल करें। अपने डॉक्टर को पूछे बगैर इंसुलिन का इंजेक्शन डिसकंटिन्यू ना करें। आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किए गए यूनिट्स ही कंज्यूम करें, इंजेक्ट करें। इंसुलिन के इंजेक्शन की नीडल रेगुलरली चेंज करें। जब आपकी दवा ये ग्लास की दवा जब खत्म हो जाए तब ये पिस्टन घूमना बंद हो जाएगा।
तब इस ग्लास के सेक्शन को जरूर रिप्लेस करें। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में, अलग अलग दवाइयों के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।